चरवाहे देखे होंगे आपने, जो भैंसों को चराने वाले, गाय को चराने वाले, बकरियों को चराने वाले, भेड़ों को चराने वाले। कभी कभार हम गाड़ी लेकर जाते हैं सड़कों पर, भीड़ जमा हो जाती है बकरियों की, भैंसों की, रास्ता रोक देते हैं, चरवाहे उनके साथ होते हैं। ये कोई एक इज्जतदार पेशा नहीं माना जाता। ये कोई इज्जतदार पेशा चरवाहों का, जो चरवाही करते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरवाहे थे। चाहे हम आज इनको हकीर नजरों से देखते हो, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लम चरवाहे थे, और ये आपका पहला पेशा था। और आप उजरत पर जानवर चराने जाया करते थे, बकरियाँ, ऊँट, भेड़, ये अल्लाह के रसूल करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लम बचपन में हलीमा सादिया, जो उनको दूध पिलाती थी अल्लाह के रसूल सल्लम को, उनकी बकरी, इसी तरह बनू साद के कबीला था, उनकी बकरियों को लेकर आप चराने जाया करते थे। फिर मक्का में आए और मक्का के अंदर भी फिर ऊँट चराया करते थे, वह बकरियाँ कम थी शहर में, तो ऊँट चराया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी से बकरियाँ चरवाई, शायद ही कोई बचा। यानी हर नबी रसूल से अल्लाह ने बकरियाँ चरवाई। और ये जो होता है बकरियाँ चरवाने का, ये नबूवत का, ये रिसालत की तरबियत का निज़ाम होता है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह सारे अंबिया से अल्लाह ने जो है बकरियाँ चरवाई, उन्होंने चराई। अब वो चाहे उजरत पर, तो हकीर पैसा नहीं है। हकीर पैसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने बकरियाँ चराई, तो इसलिए किसी चरवाहे को देखकर हकीर ना जाने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम का पैसा भी यही था। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि बकरियाँ पालो, बकरियाँ पाला करो, इसमें बरकत है, इस वाले तिजारत में, इस पेशे में बरकत है। और बरकत तो अल्लाह के रसूल सल्लम खुद में बरकत थी, जिसे हमने देखा था कि दाई हलीमा जब उनको ले गई, वो जब पहली ही रात अल्लाह के रसूल सल्लम को उन्होंने पास में सुलाया तो बरकत हुई, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बरकत फैली। तो अल्लाह के रसूल सल्लम खुद बरकत, जिसके साथ रहते उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। आपके जहाँ कदम पड़े वो बरकत की जगह है अल्लाह के रसूल सल्लम। हाँ, आपकी ज़िंदगी मुश्किलात में रही है अल्लाह के, और अल्लाह ने उनको आजमाया, हर तरह से आजमाया, और आप साबित कदम रहे, और आपने सहाबा की तरबियत ऐसी की कि सारे सहाबा भी साबित कदम रहे, डगमगाए नहीं, और आप लोगों के लिए, तमाम जहान के लिए बरकत वाले बनकर आए। तो बरकत तो आपके साथ है, लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी मुश्किलात में अल्लाह ने आजमाई, इसमें हर तरह से आपको आजमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पेशे में बरकत है। अब जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लम फरमा दे कि इसमें बरकत है, तो उसमें बरकत है, लाजमन है। ऐसा नहीं होता कि उसमें बरकत नहीं है, उसमें बरकत हो, जिसको बारे में अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान के अंदर लोहे के बारे में फरमाया कि लोहा, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम जानते हैं कि बगैर लोहे के आज कोई भी चीज़ बनाना मुमकिन नहीं है, और आज दिन का हमारा उसके साथ इस्तेमाल है। लेकिन इसके इस्तेमाल में भी बरकत है और इसके बिजनेस में भी बरकत है, अगर अल्लाह ने कहा। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल कोई चीज़ के बारे में अगर फरमा दे तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, बरकत है, तो उसमें लाजमन बरकत होती है। तो इस कारोबार में भी बरकत है। और मुसलमानों की एक जमात है, फिरका एक, जिसको हम शिया कहते हैं, जो उसमें से खास जो है दाऊदी बोरा, ये लोहे का बिजनेस बहुत करते हैं, वो सब सक्सेस है, बड़े बड़े व्यापारी के पास बड़े बड़े इसके बिजनेस हैं इस। तो अल्लाह ने जब कुरान में कहा तो उसके अंदर बरकत होना लाजमी होती है, चाहे वो फिर जो करे, तो सबके लिए उसके अंदर बरकत है, तो कामयाब बिजनेस है। तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह जब कह दे तो उसमें बरकत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मुसलमान करे या चाहे गैर मुस्लिम करे, फ़ायदा उसको मिलेगा, क्योंकि सारे उम्मती हैं, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। बस ये है कि कोई अगर नहीं मान जानता अल्लाह को, नहीं मानता, लेकिन अल्लाह का कानून जो अपनी जगह कानून है, जब उसने कह दिया तो उसमें गैर मुस्लिम भी करता है उस चीज़ को, वो बकरियाँ चराएगा, बकरियाँ पालेगा, उसको बरकत मिलेगी। अगर लोहे का कोई कारोबार करेगा तो उसमें बरकत मिलेगी, तो ये बरकत उसके अंदर होती है।
तो अल्लाह ने कानून सबके लिए एक जैसा बनाया। अब बकरियां चराने में तरबियत का निज़ाम है, इसलिए सारे अंबिया से अल्लाह ने बकरियां चरवाई, सब ने चराई। तो ये अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे नबी बकरियां चराते थे। अब ये जो बकरियां होती है, भैंसे की तरह या भैंस होती है उसकी तरह, गाय की तरह, ये भेड़ों की तरह नहीं होती, ये ऊँट की तरह नहीं होती। बकरियाँ अलग, एक उनका स्वभाव होता है, चंचल होती है। अब ये दूसरी जो है जैसे भेड़, तो भेड़ का तो ऐसा मामला होता है कि एक चली, एक को आप सही चला देंगे सारी उसके पीछे चलेगी, वो 1000 कहीं नहीं जाएगी। भैंस का भी ऐसा है कि आप उसको जहाँ छोड़ा है आपने, तो वो उसी एरिए के अंदर ही आपको वापस शाम को मिल जाएगी। ऊँट का भी ऐसा ही मामला है। लेकिन यह है कि बकरियाँ जो होती है, आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, एक जगह टिकेगी नहीं, ये कहीं भी चढ़ जाएगी, पहाड़ पर चढ़ जाएगी, उधर निकल जाएगी आपको, तो चरवाहे को दौड़ना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। तो इसके अंदर बार बार दौड़ना और उस बकरी को बार बार लेकर आना, इससे एक इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होता है, सहन शक्ति उसकी बढ़ जाती है, सब्र उसके अंदर आ जाता है। ये बकरियों के साथ होता है। तो और उसके बाद क्या होता है कि वो चरवाहे के अंदर हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा उसको, कि कहीं ये वो सो नहीं सकता है, भैंस को छोड़ दे सो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं मिलेगी या फिर पानी में मिल जाएगी, जाकर नदी में जाकर देख ले, वहाँ पर तैरती हुई मिल जाएगी। लेकिन ये बकरी को अगर छोड़ दिया तो भाग जाएगी, तो इसको वहाँ पर नाजुक भी होती है, वो जानवर हमला करते हैं, तो उसको हर वक्त चरवाहे को अलर्ट लेना पड़ता है। तो एक इसका फ़ायदा ये है कि इससे आदत पैदा होती है उसके अंदर, इंसान के अंदर। हजरत ईसा ने कहा, ये आज की इंजील में मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ें इंजील में आज जो है वो हैं, सही भी हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी मिलावट बहुत सारी हो गई, लेकिन सही चीज़ें भी हैं। वो तो खुद कुरान में अल्लाह ने कहा कि कुछ इसमें सच भी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44 में कि फ़ीहा हुदम व नूर, कि इसमें मिलावट के बाद भी इसमें नूर है और हिदायत है। क्या है कि इतनी मिलावट करी, लेकिन नूर हिदायत अभी भी इसमें बाकी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बकरियाँ के चरवाहे इंसानों के चरवाहे बनते हैं, जो बकरियाँ चराते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फिर इंसानों के चरवाहे बनते हैं, फिर वो इंसान को चराते हैं, इंसान को भी चराना पड़ता है। तो रसूल क्या करते हैं, इंसानों को चराते हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको लेकर आते हैं कि सही ट्रैक पर रहो, इधर उधर भटको मत। तो सारे रसूल को इसलिए ये तरबियत भी करवाई गई। तो ये उन्होंने कहा, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा, ये इंजील में मौजूद है कि मैं चरवाहा हूँ और ये मेरी भेड़ें जो इधर उधर भटक गई है, ये भेड़े नहीं, ईसाइयों को कहा कि भेड़े मेरी जो इधर उधर भटक गई है, और इनको सबको लाना है, वो सुनेगी मेरी बात, ये नहीं सुन रही जो सामने है, तो उनको लाना है तो वो फिर मेरी बात को सुनेगी। तो हर आदमी फिर एक, अल्लाह के रसूल सल्लम ने भी फरमाया कि फिर एक चरवा होगा और एक गिल्ला होगा, गिल्ला यानी कि ग्रुप उसका होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि कुल कुम राइन, कि तुम सब चरवाहे हो, हमसे भी कहा कि तुम सारे के सारे चरवाहे हो। तो अगर तुमको ये चरने वाले मिले तो तुमको उसको चराना पड़ेगा, सही तरीके से चराना पड़ेगा, हदों में लगाकर चराना तुमको पड़ेगा। अब ये जो चरवाहे होते हैं, ये हम देखते हैं इनको, ये भेड़ बकरियाँ भैंसे हमारे सामने लेके आ जाते हैं, हम जब इधर सफ़र पर निकले तो रास्तों के अंदर कार रोक लेते हैं, अब लोग इनको बड़ा हकीर समझते हैं, और वो जानवर के साथ उनको भी कभी जान, तू भी इनके साथ जानवर बन गया क्या, देख नहीं रहा हम निकल रहे तो इन्हें सारा रास्ता जाम कर दिया। तो अब ये अल्फाज हम कहते, लेकिन ये उनको इज्जत अब मिले तब मालूम पड़ गया कि इनको इज्जत दे, इज्जत इसलिए दे कि हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी चरवाए थे, ताकीर पेशानी, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो इज्जत देनी चाहिए। तो अब इनको जानवर ना, कि जानवरों के साथ रहने वाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चरवाहे हैं, और हर चरवाहे से उसके गिल्ले के बारे में पूछा जाना है, यानी उसके ग्रुप के बारे में पूछा जाना है, उसकी जिसके साथ वो रहते हैं, यानी अगर अमीर है किसी कौम का तो उससे उसके बारे में पूछा जाना है, क्योंकि उसको दिया था कि तुझे इस ग्रुप को चलाना है, चरवाना है। वो अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, उसके बारे में उससे पूछा जाना, लीडर है तो उसकी जो ग्रुप है उसके बारे में पूछा जाना है। इसी तरह बड़ी जो वो भी जिम्मेदारी बड़ी इसके पास में होदेदार है, उससे हर से पूछा जाना उसके बारे में, और घर वालों के बारे में भी पूछा जाना है, जो घर का इक्तदार रखता है, जो घर का मुखिया है उससे पूछा जाना है। इसी तरह जो औरतों से, उनके बच्चों के बारे में पूछा जाना है। तो कौन
सब पूछे जाएंगे अपने गिल्ले के बारे में, जिसके ऊपर अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। अब ये अल्फाज अंबिया की तरबियत के लिए दिए गए, उनको मिलते हैं कि उनके लिए ये सिफात उनमें होनी चाहिए। जो माशरे में जाएंगे यानी समाज में जब ये जाएंगे तो सारे लोग बकरियाँ हैं और बाहर भी बकरियाँ हैं, तो उनको लाना होगा, उस हद के अंदर लाना होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या ये सिफत पैदा हो हमारे अंदर भी हो, क्योंकि अब हम नहीं चढ़ाएं बकरियाँ, लेकिन ये कि कम से कम जो हमको इससे मिलता है कि ये सारी सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने बताया कि इससे क्या पैदा होता है इंसान के अंदर, बर्दाश्त का मादा पैदा होता है, फिर सब्र का मादा पैदा होता है, इसके अंदर हर वक्त अलर्ट रहने की, चौकस रहने की पाबंदी उसके अंदर आती है। तो ये सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए दीन के लिए हर वक्त। इसके अंदर आप पेश करोगे दीन को तो बर्दाश्त, जो लोग आप पे बिफरेंगे आपको बुरा भला कहेंगे, तो आपके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बता दिया तो भाई इसको मैंने जोहर में बताया तो असर के अंदर सुधर जाना चाहिए, नमाजी बन जाना चाहिए, सब्र होना चाहिए। ये सब हमको इससे मिलता है, ये नसीहत लेनी ये चीज़ें, तो ये सारी सिफतें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। और ये भी है कि बकरियों को हर वक्त नज़र रखनी पड़ेगी। तो हमने आप किसने आप किसी को आपने कुछ समझाया दीन के बारे में, बुलाया उसको, तो उसके बाद ये ना छोड़ना दे, हर वक्त उस पर नज़र रखे, या वो दीन पर सही दीन पर आ गया है मान रहा है तो उस पर फिर उस पर नज़र भी रखना पड़ेगी कि भटक नहीं जाए वापस से, क्योंकि आप उसके चरवाए हैं, तो उसकी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये भी इससे जो पैदा होती है सिफत हमारे अंदर। और इस किसी की तरफ से गाफिल ना हो, क्योंकि किसी की तरफ से आप गाफिल हो गए किसी जानवर की तरफ से वो उचक लिया जाएगा या तो खुद चला जाएगा या दूसरा जानवर खा जाएगा, तो ये अलर्टनेस होनी चाहिए हमेशा, तो इससे ये भी हमको मिलता है। और एक भी ना निकले, एक भी निकल गया तो फिर ये है कि उसकी भलाई फिर आखिरत की फिक्र होनी चाहिए कि एक आदमी भी कैसे निकल जाए हमारे पास, ये फिक्र होनी चाहिए हमको। ये होगा तो फिर ये चीज़ें पैदा होगी, तब फिर हम उम्मती कहलाएंगे। यूँ तो अल्लाह के रसूल सल की पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब उम्मती, लेकिन उम्मती जब कहलाएंगे कि आपकी कार्य रिसालत को आगे लेके जाए तो फिर उम्मती है। सिर्फ खाली कह देना कि हम उम्मत मोहम्मदिया से, वो अल्लाह के रसूल सल जो काम को छोड़ के गए यानी रिसालत आपको मिली थी लेकिन रिसालत का काम बाकी है, वो रिसालत का काम आपको करना होगा, क्योंकि हम उम्मती हैं।